और आइए अब नारायणपुर की ओर रुख कर लेते हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, शहीद जवानों के परिजनों ने श्रद्धांजलि दी है। बस्तर आईजी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मौजूद हैं। विधायक चंदन कश्यप सहित कई अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। नक्सली ब्लास्ट में नया खुलासा हुआ है। ब्लास्ट के बाद हाई टेंशन तार में बस टकराई थी। बस में जवान बैठे थे जो कि करंट की चपेट में आ गए थे, इसके चलते वे घायल हुए। तो जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है, उनके परिजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो आपको बता दें कि 5 जवान शहीद हुए थे जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। और सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी प्रशांत लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे वहां क्या कुछ हालात हैं। निश्चित रूप से गमगीन होगा माहौल, क्योंकि परिजनों में भी शोक की लहर होगी, लेकिन समझना चाहेंगे पूरा मामला कैसे हुआ। ब्लास्ट के बाद ये भी जानकारी है कि हाई टेंशन तार में बस टकराई थी। जी बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से कल देर शाम ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के चपेट में आने से बस जो है लगभग जो है 5 से 6 मीटर ऊपर उछली और वहाँ हाई टेंशन वायर लगा हुआ था और उस हाई टेंशन वायर के ऊपर जाकर जो है वो बस गिरी और उसके बाद जो है वो पुल की जो खाई है वहाँ जाकर गिरी, जिसके कारण हाई टेंशन वायर टूट गया और चूंकि करंट सप्लाई उसमें चालू था, जिसकी वजह से जो पीछे के जो जवान थे जो ब्लास्ट के चपेट में नहीं आए थे, उन जवानों को जो है उस हाई टेंशन वायर के करंट लगने से जो है चोट आई है। और जो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट में बस का जो सामने का हिस्सा है वो जो है चपेट में आया था, जिसकी वजह से जो वाहन चालक है, वाहन चालक समेत सामने जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ गया है और 5 जवान इसमें शहीद हुए हैं। और जिस तरीके से हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, ग्राउंड जीरो का जो हालात था वो वहाँ पर हम बता दें कि नक्सलियों ने कमांड आईडी लगा रखी हुई थी और उस सड़क का निर्माण कार्य जारी था और अमूमन ये जो आईडी है नक्सलियों ने हाल ही में लगाई थी और जो पुल है, पुल से लगा हुआ क्षेत्र है, लगे हुए क्षेत्र में आईडी लगाई थी और वहाँ पे अभी भी जो है आईडी के कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। जिस तरीके से तार को जहाँ पर लगाया हुआ था नक्सलियों ने और जिस तरीके से लगभग 100 से 150 मीटर दूर जंगल का आड़ लेकर जो है नक्सली वहाँ पर खड़े हुए थे और वहां से जैसे ही जवानों से भरी बस को आता हुआ देखा नक्सलियों ने, उसके बाद वायर को जो है बैटरी से टच करके उसको ब्लास्ट किया है। और जो 5 जवान हैं, 5 जवानों को आज जो है जगदल नारायणपुर के रक्षित केंद्र में श्रद्धांजलि दी गई और सभी जो शहीद जवान थे उनके परिवार वाले भी पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ बस्तर आईजी, एसपी और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक समेत तमाम अधिकारी और नेता भी यहां पर जो शहीद जवान है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। और अभी फिलहाल उन सभी शहीद जवानों के शव को उनके गृहग्राम भेज दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर के बाद। और जो खबर जो सामने आ रही है कि जो नक्सल ऑपरेशन डीजी है प्रदेश के, वो जो है नारायणपुर दौरे में आज रहेंगे और जो घटना स्थल है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना स्थल का दौरा करेंगे और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया है नक्सलियों ने, इसकी जो है तफ्तीश की जाएगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तैयार करने की बात की जा रही है। जी बहुत धन्यवाद प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशांत ने बताया कि विस्तार पूर्वक अब घटना की जाँच की जाएगी, आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है। फिलहाल जो शहीद हुए जवान थे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उनके गृहग्राम भेज दिया गया है, श्रद्धांजलि दी है उन्हें।